हमारे यहाँ तलाक के बाद भी महिलाओं का अपमान नहीं किया जाता है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो इनलीगल महिला हमारे देश में घुसकर आ गई उसके भाई बने हुए एपी सिंह का। जैसे कि आपने कल देखा होगा कि एपी सिंह पर और सीमा हैदर पर, सचिन मीना पर कोर्ट केस दायर हो गया और अब इन पर नोटिस जारी होने वाला है और ये बुरी तरीके से बौखला गए। ये वही व्यक्ति है जो अपने देश की महिला को इंसाफ नहीं देने के लिए, जो हमारी निर्भया थी हमारे देश की बेटी, उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। ये व्यक्ति आज एक इनलीगल महिला, पाकिस्तानी महिला के लिए यहाँ पे बात करता है कि हमारे यहाँ तलाकशुदा महिलाओं का भी अपमान नहीं किया जाता, उसका भी सम्मान किया जाता है। लेकिन यहीं पे ये व्यक्ति उस सीमा हैदर को जबरदस्ती के रिश्ते में धकेल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, गुलाम हैदर से इसका तलाक नहीं हुआ है, जो कानूनन प्रूफ हो चुका है। मोबिन मलिक साहब ने जिस तरीके से यहाँ पे कोर्ट में प्रूफ किया है, कोर्ट में सारी चीजें क्लियर हो चुकी है और इन सब पर नोटिस जारी होने वाला है। लिए बौखला चुका है बुरी तरीके से। अब इसका कहना है, जैसे एक मैं यहाँ पे किसी का वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, एक इसके यहाँ मीडिया कर्मी जाती है और वो कहती है सीमा हैदर का कहना है, तो ये बौखला जाता है इसका कहना। नो सीमा हैदर, सीमा सचिन मीना, मतलब जबरदस्ती के रिश्ते में इसको सीमा सचिन मीना बनाने में तुला हुआ है। जैसे कि लगातार मोबिन सर का अपडेट आ रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि अभी तक गुलाम हैदर के रिश्ते में है, क्योंकि इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में गुलाम हैदर का नाम इस्तेमाल किया गया। बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश का एक ऐसा वकील, जो जाना माना कानून का ज्ञाता है, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जबरदस्ती एक ऐसा रिश्ता बनाया हुआ है, जो इनलीगल महिला घुसकर हमारे देश में बैठ गई है, जिसने हमेशा हमारे देश की कानून का उल्लंघन किया है, हमारे समाज को एक गलत मैसेज दिया है, वहां से पाकिस्तान से गलत तरीके से यहाँ पे घुस के आ गई है। उस महिला को इतनी तरह से बढ़ावा देने का इसका कारण क्या है? क्यों इस महिला को इतना बढ़ावा दे रहा है? क्या ये एपी सिंह का इससे रिश्ता है? आखिर क्यों? यह सवाल आज हमारे भारत के कई भाई बहनों के मन में उठ रहा है और जाहिर सी बात है उठना भी जायज है, क्योंकि जिस तरीके से एपी सिंह बौखला गया है, जिस तरीके से गलत गलत चीजों को यहाँ पे दिखा रहा है और जिस तरीके से कानूनन सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाहता है देश में। सीमा हैदर के लिए इतना दर्द क्यों? आखिर इतना क्यों? जैसा कि इसका कहना है दुश्मन देश है पाकिस्तान, तो फिर एक पाकिस्तानी महिला, जो पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका है कि वो महिला इनलीगल है और अभी भी अपने पति के साथ रिश्ते में है, ये कहता है कि यहाँ सीमा नवरात्रे रखेगी, सीमा हर धर्म को फॉलो करेगी, सीमा मोदी योगी जी का नाम लेगी। क्या एपी सिंह, आज ये सवाल मेरा तुमसे है, हमारे देश की बेटी जो निर्भया थी उसके लिए दर्द नहीं जागा था, उसके लिए गुस्सा नहीं फूटा था जो सीमा हैदर को सीमा हैदर कहने पे फूटता है? इस तरीके से एपी सिंह बौखला जाता है सीमा हैदर कहने में, जैसे इसकी घर की कोई जागीर छीन गई, इससे कोई बहुत कीमती चीज किसी ने जबरदस्ती छीन ली, इस तरीके से एपी सिंह बौखला जाता है। अगर कोई सीमा हैदर के विरोध में वीडियो बनाता तो इसका कहना होता है कि सब फेम के लिए कर रहे हैं, सीमा हैदर के नाम से फेमस हो रहे हैं और सीमा हैदर के नाम से अपना घर चला रहे हैं। तो ये एपी सिंह इसके नाम पर क्या चला रहा है, ये इसका जवाब दें। जिस तरीके से लगातार कर रहा है चीजों को, बहुत शर्मनाक, हमारे भारत देश के लिए बहुत दुखद दुखदाई है। एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसको अपने पद का उपयोग करते हुए सही और सच को दिखाना चाहिए था, वो हमेशा गलत और गलत चीजों को बढ़ावा दे रहा है। वही सीमा हैदर की बदतमीजियां, सीमा हैदर की बेहयाई फूट फूट कर हंसती है। लप्पू का कहीं तक नामो निशान नहीं होता, लप्पू बहुत दूर दूर तक इसके पास दिखाई नहीं देता। बनठन कर एपी सिंह और सीमा हैदर बैठ जाते हैं और मीडिया कर्मी कुछ लेके आते हैं और उस मीडिया कर्मी जो इससे पूछ रही है सवाल सीमा हैदर, उस पर इसका गुस्सा, इसका दर्द फूट पड़ता है और उसको साफ साफ ये हिदायत दे देता है, तुम यहाँ बैठी हो, मतलब तुम सीमा सचिन के घर में बैठी हो, तो सोच समझ कर बोलो, जो हमने बोला है वही चीजें तुम्हें बोलनी है। गलती से उसके मुंह से सीमा हैदर निकल जाता है। जाहिर सी बात है, ये उन लोगों को इंटरव्यू तो देते नहीं है जो इसका सच दिखाए, ये फेक लोगों को खरीदी हुई मीडिया को लाते हैं और जो सच है सीमा हैदर वो उनके मुंह से निकलता है, तो एपी सिंह बौखला जाता है, एपी सिंह का आपा खराब हो जाता है, एपी सिंह अपना सब कुछ खो बैठता है। एपी सिंह ने आज कल एक वीडियो में बोला था लाइव में कि जो भी सीमा हैदर के खिलाफ जाएगा मैं उस पर बड़ी कार्रवाई करने वाला हूं। तो हमारे भारत के बहुत सारे लोग आज टूट पड़े हैं, बहुत बुरी तरीके से इसके खिलाफ खड़े हैं, वो चाहते हैं इस भगोड़े को मार मार कर यहां से निकाल दिया जाए। और सबसे मैं हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करती हूं कि कानून पर भरोसा रखिए,
क्योंकि जो चीजें फील्ड में हो रही, ग्राउंड पे हो रही है, जो लीगल हो रही है, उस पर भरोसा रखिए। थोड़ा सा समय लगेगा। मोबिन मलिक जी जिस तरीके से चीजों को रख रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है एक न एक दिन इस भगोड़े का यहाँ से तबादला होगा, यहाँ से जाएगी, ये जेल जाएगी। अब हम भी नहीं चाहते पाकिस्तान जाए, हम भी चाहते हैं। इसने जिस तरीके से हमारे भारत के कानून को लगातार तोड़ा है, जिस तरीके से ठहाके मारती है, बेशर्मी दिखाती है, बदतमीजी करती है, ये हंसती है सोशल मीडिया पे। जब भी एपी सिंह आता है, इसकी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है। ये कहती है मेरा भाई सवा शेर है सोशल मीडिया पे। सोचिए जरा कितनी शर्मनाक डूब मरने वाली बात है भारत के लिए कि ये औरत ये कहती है कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरा भाई खड़ा है। इसको पता ही नहीं है कि कानून का डंडा बजता है तो बड़े बड़े जो मंत्री अधिकारी हैं उनको भी नहीं बख्शता है। कानून अपना काम करता है। एपी सिंह सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ बिके हुए पत्रकारों को लाकर यहाँ पे गलत गलत चीजें परोस रहे हैं, जिससे भारत की जनता बुरी तरीके से आहत है और सब भड़के हुए हैं। आप देखते हो रात में जब भी लाइव चलती है तो लगातार इसी मुद्दे पर बात चलती है। बहुत शर्म की बात है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देश की बेटी निर्भया के लिए गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके कातिलों को बचाने के लिए, उसके जो दोषी थे उसके दोषियों को बचाने के लिए लगातार ये व्यक्ति उस पर उसकी बेल को आगे बढ़ाते रहा, उसके केस को आगे बढ़ाते रहा हर चीज, क्योंकि कानूनन ज्ञान तो इसे है ही, सुप्रीम कोर्ट में इतने समय से वकील रहा है, उसका दुरुपयोग करते रहा। अगर मानते हैं कि अपने जो क्लाइंट होता है उसके प्रति एक लॉयर वफादार होता है, लेकिन जो अपने देश की बेटी थी, अपने इतना जघन्य उसके साथ जो कृत्य हुआ था, उसके लिए क्या एपी सिंह को नहीं आगे आना चाहिए था? एपी सिंह की शकल से आज भारत की जनता बहुत ज्यादा दुखी और आहत है, बहुत आक्रामक है। जिस तरीके से पाकिस्तान को दुश्मन देश बोल रहा है, क्या भारत सरकार ने हमारे भारत के किसी भी उसने पाकिस्तान को दुश्मन देश बोला है? हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अगर उसके सामने उनके सामने चीज आ गई कि हमारे देश का एक वकील और एक इनलीगल महिला यहाँ बैठकर लगातार पाकिस्तान को ललकार रहे हैं दुश्मन देश, क्योंकि हमारे जो मोदी जी, हमारे जो योगी जी हमेशा प्रेम का संदेश देते हैं, उन्होंने ज्यादातर विदेशी यात्राएं की है ताकि भारत और अन्य देशों के रिश्ते मजबूत रहें, और बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है, बहुत अच्छा मैसेज सेट किया है मोदी जी ने। उनके अधिकतर दौरे जो है विदेश में हुए हैं ताकि विदेशों से हमारे देशों के संबंध अच्छे रहे। बिजनेस व्यापार के लिए भी हमारा देश दूसरे देशों से बहुत अच्छा रिलेशन है और बहुत मजबूत है हमारा भारत देश, हर तरीके से सक्षम है। ये मोदी जी की बदौलत है कि उन्होंने अपने देश की मजबूती अपने बलबूते पर प्रदान की है। यहाँ पर बैठकर ये लगातार एक इनलीगल महिला जो बेल पर छूटी हुई है, जिस पर इतनी सारा धाराएं लग गई, उस महिला के लिए ये व्यक्ति अकेले लड़ रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके का ये गेम खेलता है, ये हिंदू मुस्लिम, एपी सिंह का कहना होता है कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, क्योंकि हम कह नहीं सकते। जब हमारे मोदी जी रिश्तों को मधुर बनाने की तैयारी कर रहे हो, हर देश से अच्छा रिलेशन बनाए हुए, तो हम कौन होते भाई दुश्मन देश कहने वाले? पाकिस्तान मानते हैं अच्छे संबंध नहीं है, समय समय पर हमारे सैनिकों के बीच झड़प होती रहती है, उसके लिए हमारी सरकार है, हमारा कानून व्यवस्था है, हमारे मोदी जी हैं, उस पर वो चर्चा करेंगे। हम कोई नहीं होते किसी को दुश्मन मुल्क कहने वाले। इस तरीके से तो आम पब्लिक में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करा जाता है, सीमा हैदर अभी भी मुस्लिम है, उसका धर्म परिवर्तन किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, इनलीगल है, इस पर कोई भी कानूनी मोहर नहीं लगी है। जब इस तरीके की चीजें की जाती है, किसी महिला के या उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, सबसे पहले उसके पति की अनुमति जरूरी होती है, जो कि इसके डॉक्यूमेंट्स में पूरी तरीके से गुलाम हैदर इसका पति है, इसके सारे जितने वीजा पासपोर्ट जितने ये नेपाल तक आई है, उस सारे डॉक्यूमेंट में इसके गुलाम हैदर का नाम है, लेकिन जबरदस्ती के रिश्ते में एपी सिंह बांध रहे हैं। एपी सिंह का कहीं ना कहीं ऐसा बहुत भयंकर मकसद है, जो सीमा हैदर और सचिन मीना का नाम ये जोड़कर यहाँ पे कायम करना चाहते हैं। और बहुत शर्म की बात है, ये उन लोगों से कहते हैं जो सीमा हैदर का विरोध करता है, उससे बोलते हैं कि उसकी सीमा हैदर की तरह सीमा सचिन की तरक्की से जलती है। जब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया सब सारे डॉक्यूमेंट में गुलाम हैदर को अपना पति मानती है, तो फिर एपी सिंह क्यों जबरदस्ती इसको रिश्ते में बांधना चाहते हैं? क्यों सचिन मीना के साथ इसको पॉपुलर करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसको सचिन मीना के नाम से जाने? क्या कानून से बढ़कर एपी सिंह है? एपी सिंह डिसाइड करेंगे कि कोई भी महिला आके भाग जाए किसी भी पुरुष के साथ गैर
इनलीगल रिश्ते में रहे, गैर कानूनी रिश्ते में रहे, और वो रिश्ते को क्या एपी सिंह जायज बना देंगे? बहुत शर्मसार करने वाला। आज हमारे देश की बहुत सारी जनता बहुत गुस्से में है और परेशानी में है, क्योंकि एपी सिंह का जो कृत्य है वो पब्लिक की समझ से बाहर होते जा रहा, पब्लिक इसके खिलाफ भड़कती जा रही है और पूरी तरीके से पब्लिक रोडों पर उतरने को तैयार है। समझ नहीं आता कि सीमा हैदर को सीमा हैदर कहने में लप्पू कुछ नहीं बोलता, कोई और व्यक्ति नहीं बोलता, लेकिन फिर क्यों केवल एपी सिंह को तकलीफ होती है? जब उसको सीमा हैदर कहा जाता है ऐसा लगता है एपी सिंह पूरी दुनिया उजाड़ देंगे, पूरी दुनिया में तहलका मचा देंगे। सीमा हैदर शब्द से एपी सिंह का खून खौल जाता है, वो उस व्यक्ति पर टूट पड़ते हैं और वो साफ हिदायत दे देते हैं, यहाँ आप बैठी हो ये सोच लो। अब सोचिए एक मीडिया को जिस तरीके से धमकी देते हैं एपी सिंह, जिस तरीके से सीमा को कहते मेरी बहन है, मेरा भांजा है राज, तो एक अगर बहन सूर्पनखा हो वो अपने पति को धोखा देके किसी गैर मर्द के साथ चली जाती है, क्या उसे भाई मानने वाला व्यक्ति उसका अधिकार ज्यादा होगा या उस पति का जिससे अभी तक तलाक नहीं हुआ है? और हम तो कहते एपी सिंह प्रूफ करे कि सीमा हैदर का तलाक हो चुका है, वो सीमा सचिन मीना है, ये साबित करे कोर्ट में। सोशल मीडिया पे इसको सपोर्ट करने का क्या मतलब? सोशल मीडिया पे सपोर्ट करने का मतलब ये अपने भारत के लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, ये अपने भारतीयों को उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर सीमा हैदर के खिलाफ कुछ भी करा तुम्हें मैं घसीट दूंगा, जैसे मिथिलेश भाटी जी को ये धमकी दी गई थी और वो उन्हें चुप बैठा दिया गया था। कितना गलत और कैसी मानसिकता है इस व्यक्ति की, समझ में नहीं आता किस तरीके से हमारे देश में कितना और गंदगी बिखेरेंगे। सीमा हैदर की गंदगियां लगातार बढ़ती जा रही है, ये इसको लगता है कि पूरा भारत मेरा अपना है, जो भारतीय कीड़े मकोड़े हैं ये कहती पाकिस्तान को, लेकिन बातों बात में ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती कि जितने लोग इसके विरोध में बोलते हैं सबको यहाँ ठहाके लगाकर गालियां देती है, ये खुलेआम चैलेंज करती, खुलेआम धमकियां देती है। हम उत्तराखंड से एक समाज सेवक हैं और इतने फील्डों में काम करते हैं, आज तक के जीवन में ऐसी महिला और ऐसा केस हमने नहीं देखा जो दूसरे मुल्क से आई है, जो शरणार्थी है, शरणार्थी भी नहीं सॉरी, जो इनलीगल घुसकर आई है, इसका मकसद का पता नहीं है, कब ये कौन सा कांड कर देगी। इसको सपोर्ट करने वाला एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उसको कानून का तक एबीसीडी पता नहीं है कि कल के दिन ये महिला क्या करेगी। कुछ इसके कुछ चट्टुकार हैं जो इसकी कमाई खाते हैं, जो इसके उससे पलते हैं, जो गालियां देते हैं दूसरों को। थू है आप जैसे लोगों पे, थूकती हूं मैं आप जैसे लोगों पे कि इतनी गंदी औरत को आप हमारे देश में घुसेड़ के लाए हो और इनलीगल काम कर रहे हो, उससे आपका मकसद पूरा कराने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप हमारे देश के गद्दार हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत दुखद होता है ऐसे व्यक्तियों को देख के। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, समाज सेविका, समाज के हर एक मुद्दे पे पहलू पे बात करती हूँ। ये बयानबाजी भाषणबाजी इनकी देखकर पूरा पब्लिक आज समाज के बीच में शर्मसार हुई है, बहुत तकलीफ होता है सब चीज देख के। एपी सिंह गायब हो जाते हैं लेकिन जैसे कानून का डंडा बजता है तो ये आ जाते हैं अपना इसके बगल में बैठकर अपनी सारी तस्वीरें खिंचाने, सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, देख सकते